वो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए या जीन है उसको हम बहुत सी कॉपीज बना लेते हैं उन कॉपीज को फिर हम फर्दर यूटिलाइज करते हैं फॉर द डिफरेंट अब PCR कैसे है किस तरह से है प्रोसेस क्या है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है इनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी पी सी आर यू नो दैट हम इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स द मेन टॉपिक क्लोनिंग ऑफ अ जीन

स्टूडेंट ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसको इन शॉर्ट्स पीसीआर के नाम से मेंशन करते हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में एवरीवन नो दैट व्हाट इज पीसीआर एक हम ये कोविड-19 का जो टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वो पीसीआर परफॉर्म करते हैं बिल्कुल सेम वही पीसीआर हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे बेसिकली हमें समझना है कि पीसीआर है क्या चीज किस तरह से है कैसे है तो एक साइंटिस्ट है कैरी बी मुलस, साइंटिस्ट का नाम है कैरी बैंक है बैंक इसको नोबल प्राइज भी दिया गया आ, केमिस्ट्री के अंदर इसने पीसीआर को डिस्कवर किया 1983 के अंदर देखिए जो ओल्ड कन्वेंशनल मेथड था जो कि रिकम्बिन टेक्नोलॉजी ओल्ड मेथड जो था दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव ये टाइम कंज्यूमिंग था और दूसरा हम कहते हैं एक्सपेंसिव था लेकिन उसके बाद फिर हमने एक पीसीआर डेवलप किया यानी कि साइंटिस्ट ने पीसीआर डेवलप किया इस साइंटिस्ट ने जब पीसीआर डेवलप किया तो इसने कहा कि हम मिलियंस ऑफ कॉपीज इन लेबोरटरी और बहुत जल्दी बना सकते हैं हम क्या कर सकते हैं वी कैन मेक मिलियंस ऑफ अ कॉपी मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो बना सकते हैं वेरी क्विकली इन लेबॉरट्री एक लेबॉरटरी के अंदर अब देखिए स्टूडेंट इसने ये भी कहा कि वी कैन टारगेट वी कैन टारगेट हम टारगेट कर सकते हैं अ पार्ट ऑफ अ मिलियंस ऑफ द टोटल डीएनए कैन टारगेट डीएनए हम डीएनए टारगेट कर सकते हैं अ पार्ट ऑफ मिलियन पार्ट ऑफ मिलियन मिलियन इन टोटल ऑफ टोटल डीएनए ऑफ टोटल डीएनए यानी कि टोटल डीएनए का एक मिलियन पार्ट थोड़ा सा हिस्सा हम उसको टारगेट करके उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज जो हैं वो क्या कर सकते हैं बना सकते हैं पूरे टोटल डीएनए का मिलियन पार्ट यानी कि छोटा सा हिस्सा होगा जिसकी हम क्या, जिसको हम क्या क्या कर सकते हैं टारगेट कर सकते हैं टारगेट करने के बाद फिर हम उसकी मल्टीपल क्या बना सकते हैं कॉपीज बना सकते हैं अब स्टूडेंट देखें पी तो हमने डिस्कवर कर लिया क्वेश्चन इज दैट कि ये हम किस के लिए करते हैं तो वो भी बता चुका हूँ। अब हमने ये देखना है कि इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चाहिए होती हैं मतलब कि व्हाट इट नीडेड इसके लिए क्या-क्या हमें चाहिए होता है पीसीआर को परफॉर्म करने के लिए तो स्टूडेंट इसमें हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट आर पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज गोइंग टू बी कॉपीड ठीक है जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं या फिर वो डीएनए कह सकते हैं विच इज गोइंग टू बी कॉपीड, जिसको हम क्या करना चाहते हैं कॉपी करना चाहते हैं ये हमें रिक्वायर्ड होता है सेकेंड हमने कहा कि डीएनए uh, बनाने के लिए हमें बेसिकली डी एन टी रिक्वायर्ड होती हैं डी एन टी डी एन टी पीज का मतलब यह होता है डीऑक्सीिक्लोटाइड ट्राई ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइट ट्राइफॉस्फेट स्टूडेंट ये रिक्वायर्ड होता है डीऑक्सी ऑक्सीड ट्राइफॉस्फेट बेसिकली है क्या चीज ये चार तरह की होती हैं हम कहते हैं दीज आर डीऑक्सी ऑक्सी ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी डी ट्राइफॉस्फेट इस तरह से डीऑक्सी साइटिडिन ट्राई फॉस्फेट डी कॉनोसिन तो इस तरह से ये हमें चार टाइप्स की डी एन टी पीज रिक्वायर्ड होती हैं ताकि हम डी एन ए की कॉपीज बना रहे हैं तो डी एन ए बना सकें स्टूडेंट ये तो हमारे दो रिक्वायरमेंट हो गई सेकेंड हमें बफर चाहिए होता है पी सी आर बफर हम उसे कहते हैं पी सी आर बफर ये वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम अपने सैम्पल को रखते हैं और उसकी फिर आगे क्या बनती हैं कॉपीज बनती हैं पीसीआर बफर चाहिए जिसके अंदर हम उसको रखते हैं अब इसके लिए हमें प्राइमर भी रिक्वायर्ड होते हैं प्राइमर से पहले तो हमें एंजाइम रिक्वायर्ड होगा ना जो इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएगा एंड दैट एंजाइम नेम्ड एज टैक पॉलिमराइज यानी कि टैक डीएनए पॉलीमरेज हमसे कहते हैं टैक डीएनए पॉलीमरेज स्टूडेंट ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन ये क्या करवाता है पॉलीमराइजेशन जो है वो करवाता है पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ निक्लोटाइड निक्लोटाइड को क्या करना ऐड Add करना एडिशन ऑफ निक्लोटाइड निक्लोटाइड को ऐड करना ये इसका बेसिकली काम होता है तो इसलिए हम इसे पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज के नाम से मेंशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स ये जो पॉलीमराइजेशन एंजाइम होता है दैट इज थर्मोस्टेबल इसे हम कह सकते हैं ये थर्मोस्टेबल होता है हीट इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर कह सकते हैं इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता इनसेंटिव टू टेम्परेचर टेम्परेचर के लिहाज से देखा जाए तो दैट इज इनसेंटिव या इनसे इनसे इसको हम थर्मोस्टेबल कहते हैं और इसकी वजह यह है कि दैट कैन रिमेन कॉन्स्टेंट और एक सौ बीस डिग्री हो तो उसमें भी ये आसानी से काम कर सकता है इट एबिलिटी ये इसके अंदर क्या मौजूद होती है एबिलिटी मौजूद होती है अब देखिये स्टूडेंट ये ऐसा क्यों है वाई वी आर गोइंग टू से ये इस तरह का होता है तो टैक पॉलिम्रेस जो होते हैं थर्मोफाइल बैक्टीरिया ये एक हम कह सकते हैं थर्मोफाइल थर्मोफायल बैक्टीरिया से ऑप्टेन होता है थर्मोफाइल बैक्टीरिया से इसे ऑप्टेन किया जा सकता है थर्मोफाइल का मतलब होता है जो कि हीट लवर होते हैं टेम्परेचर के अंदर हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करते हैं और ये आर्क्यू बैक्टीरिया है जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर क्या करता है सर्वाइव करता है आप ऐसे कह सकते हैं एंसियंथ बैक्टीरिया से अपटेन किया गया है जिसका नाम है थर्मस, थर्मस, तो थर्मस साइंटिफिक नेम है इस बैक्टीरिया का सो इसलिए इसका पहला लेटर जो है यू नो दैट दैट इज ऑफ जीनस ये किसका है जीनस का है और दूसरे जो यहाँ पे ये दो लेटर जो लिए गए हैं दैट इज ऑफ स्पीशी ये किसके हैं स्पीशीज के हैं तो इस वजह से हम इसे टैक कहते हैं बिकॉज ये पहला जो है ये जीनस से है और दूसरे दो लेटर जो लिए गए हैं वो इसके स्पीशीज से लिए गए हैं ये टैक पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये डीएनए पॉलीमराइजेशन जो है वो करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है तो ये ये जो बैक्टीरिया हैं तो हॉट स्प्रिंग्स में हॉट स्प्रिंग्स में हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो होते हैं वो 120 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है जहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं जहाँ पे ये रहते हैं तो इनसे हम इनको क्या करते हैं अपटेन करते हैं सो दैट्स वाई ये बैक्टीरिया ये इंजाइम्स होता है ये हीट इंसेंसिटिव होता है और ये इतने टेम्परेचर पर वर्किंग कर सकते हैं रीजन जानना चाहेंगे कि इतने टेम्परेचर पर ये प्रोटीन एंजाइम जो है ये कैसे स्टेबल है तो स्टूडेंट यू नो दैट कि इंजाइम्स जितने भी होते हैं ये इन नेचर कैसे होते हैं प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मौजूद होते हैं तो इनके अंदर ये डाइसल्फाइड सल्फाइड ब्रिड्स या बॉन्ड्स आप कह सकते हैं इनका नंबर जो होता है वो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा होता है सो दैट्स वाई दे कैन स्टेबल दे कैन रिमेन स्टेबल इसके अलावा भी रीजन्स हो सकती हैं बट दिस इज़ द मेन थिंग दैट कि ये जो प्रोटीन है और प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड ब्रेन काफ़ी ज़्यादा हैं सो so ये इन्ज़ाइम जो है इसमें क्या कर सकता है स्टेबल रह सकता है सर्वाइव कर सकता है स्टूडेंट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो थर्मोसाइकलर बट बिफोर दिस वी आर गोइंग टू सेट जो रिक्वायरमेंट है दैट इज प्राइमर्स वो क्या होते हैं प्राइमर्स रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट ये प्राइमर क्या होते हैं प्राइमर्स आर सिंगल स्टैंड कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री sequence of nucleotide deoxy ntps कह सकते हैं deoxy ribonucleotide कह सकते हैं ribonucleotide स्टूडेंट्स ये लिखने का मतलब ये है कि ये जो प्राइमर है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए इसकी नेचर कैसी है डीएनए है और ये होता कैसे है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि एक ही स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होते हैं एंड दिस सीक्वेंस इज कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है ऑफ डी और इसकी जो लेंथ होती है अच्छा किसकी कंप्लीमेंट्री होती है दैट इज टू इधर साइड ऑफ द डी एन इज टू इधर साइड ऑफ द डी एन साइड ऑफ डीएनए डीएनए के कोई सी साइड्स की जो कि हमने कॉपी करना है या फिर आप ऐसे कह सकती हैं जीन कह सकती हैं उसकी कुछ सी साइड की भी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी एंड दैट कंसिस्ट अपॉन 20 निक्लोटाइड्स ये कितने निक्लोटाइड्स पर मुश्तमिल होगी 20 निक्लोटाइड्स पर मुश्तमिल होगी निक्लियोटाइड्स इसे हम एनटी टी भी समटाइम लिख लेते हैं निक्लोटाइड्स रिप्रेजेंट करने के लिए एंड इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एम और ये एक इम्पॉर्टेंट एम जो है वो भी कंसिडर होता है ये भी एक एम सी क्यू है कि इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है तो वो भी हम जानते हैं कि दैट इज़ ऑफ डी एन ए ये इन नेचर कैसा होता है डी एन ए होता है तो ये रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट्स इसकी दो टाइप्स होती हैं टू टाइप्स जो है वो हम कहते हैं मौजूद होती है द वन इज़ दैट एक जो होती है वो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड प्राइमर होती है और एक कौन सी होती है रिवर्स प्राइमर होती है यानी कि रिवर्स प्राइमर और दूसरी जो इसकी टाइप है वो कौन सी है फॉरवर्ड 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 प्राइमर ठीक है ये दो तरह के प्राइमर जो होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं रिवर्स प्राइमर प्राइमर। और फॉरवर्ड अब देखिए रिवर्स और फॉरवर्ड दो तरह के प्राइमर्स हैं यहाँ पे हम इसमें क्या कर रहे होते हैं यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट ये रिवर्स फॉरवर्ड प्राइमर रिक्वायर्ड क्यों होते हैं बिकॉज दिस डीएनए Cannot synthesize uh, this DNA polymerase cannot synthesize replication or the duplication polymerization on its own. यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी reason क्या है? Because uh, why we need इसकी need क्या है? ज़रूरत क्या है? Because DNA polymerase जो है DNA polymerase जो हम यहाँ पे utilize कर रहे हैं जिसका नाम Taq DNA polymerase है cannot cannot initiate ये इनिशिएट नहीं कर सकता एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए इस डीएनए की पॉलीमराइजेशन जो है उसको रिप्रेजेंट या शो आगे ऐड नहीं कर सकता इनिशिएट नहीं कर सकता सो दैट्स नीड प्राइमर इसलिए हमें प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं स्टूडेंट इसमें एक और चीज जो है हमें रिक्वायर्ड होती है दैट इज थर्मोसाइक्लर 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 बेसिकली एक मशीन का नाम है जिसे हम पीसीआर मशीन भी कहते हैं पीसीआर मशीन ये मशीन हमें रिक्वायर्ड होती है इस मशीन में ही तो हम परफॉर्म करते हैं बाकी ऑप्रेटर्स तो आप जानते हैं कि उसमें माइक्रो माइक्रोपाइप रिक्वायर्ड होती हैं पी सी आर ट्यूब्स रिक्वायर्ड होती हैं बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ये थर्मोसाइक्लर वो मशीन होती है जिसके अंदर हम ये सारे ऑपरेटर्स को यूटिलाइज करते हुए हम उसके उसके थ्रू जो है ये काम परफॉर्म करवाते हैं स्टूडेंट अभी जो हमने डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि पी को डिस्कवर किसने किया इससे हम क्या कर सकते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हमने कॉपी करना है डी एन टीपी रिक्वायर्ड होती हैं फिर हमने कहा कि इसमें पी सी आर बफर रिक्वायर्ड है नंबर फोर पे इसमें जो टैग पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होता है उसकी करेक्ट्रस्टिक्स को डिस्कस किया नंबर फाइव पे जो इसमें रिक्वायर्ड है वो पी सी आर प्राइमर्स होते हैं और नंबर सिक्स पे जो है वो हमने थर्मोसाइकलो मशीन जो है वो रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स ये एक पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए अब ये प्रोसेस होता कैसे है कितने मिनट्स में कंप्लीट होता है किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है इन तमाम को हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे पीसीआर और पीसीआर में हमने इसके रिक्वायरमेंट्स को देखा डिफाइन किया अभी हम इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं इसका जो प्रोसेस है वो क्या है स्टूडेंट इसके प्रोसेस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं द फर्स्ट वन इज सबसे पहले जो हम कह सकते हैं वो है डी नेचुरेशन यानी कि इसका जो पहला पार्ट है या पहला स्टेप है दैट इज डी नेचुरेशन स्टूडेंट डी नेचुरेशन का मतलब होता है कि हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि हम एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंड डीएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं हम हीट यूज़ करते हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर यूज़ कर रहे होते हैं एंड यू नो दैट दैट व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट अबाउट डीनेचुरेशन करने के लिए दैट इज़ नाइनटी फोर डिग्री सेल्सियस नाइन्टी फोर डिग्री सेल्सियस अब इतने टेम्परेचर पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं मिसाल के तौर पर यह एक डीएनए का सेगमेंट है विच इज गोइंग टू बी कॉपीड जिसको हम टारगेटेड कह सकते हैं या जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं ईच है इसके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका एक एंड फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है दूसरा एंड इसके ऑपोजिट होगा 5 प्राइम और इस तरफ क्या होगा 3 प्राइम तो एक दूसरे के ऑपोजिट एंड्स जो हैं ये मौजूद होते हैं अब ये डबल स्ट्रैंडेड है दैट इज गोइंग टू बी सेपरेट हम इसे सेपरेट करते हैं और सेपरेट जो किया गया तो ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड हमने इसको बना दिया यानी कि ये एक दूसरे से क्या कर दिया हमने सेपरेट कर दिया जब एक दूसरे से सेपरेट कर दिए तो दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज डी जो एक हम कहते हैं फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम था सेम ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम स्टैंड मौजूद है ये जो नाइन्टी फोर डिग्री सेल्सियस पे किया है ये हम कहते हैं जस्ट एंड ओनली फॉर वन मिनट है तो इसके लिए जो हम टाइम ड्यूरेशन जो हम यूज़ करते हैं या आप ऐसा कह सकते हैं जो टाइम हम इसमें लगता है दैट इज़ ओनली वन मिनट ये वन मिनट है तो एक मिनट के अंदर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर चुके हैं और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है अब इस प्रोसेस का सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप इज नॉन एज या फिर हम इसको कूलिंग भी कहते हैं कि हम इसमें कूल cool आउट करते हैं स्टूडेंट का मतलब यह है के जो प्राइमर होते हैं जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर होते हैं दिस बाइंड टू डी एन एस डी एन ए के साथ क्या करते हैं बाइंड करते हैं स्टूडेंट जब ये डी एन ए के साथ बाइंड करते हैं तो इसमें इस वक्त जो हीट या टेम्परेचर हम रखते हैं हीट होती है दैट इज़ अबाउट फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस फिफ्टी फोर डिग्री सेल्सियस अब इसके लिए जो हम टाइम ड्यूरेशन यानी कि जो टाइम हम ले रहे हैं दैट इज़ अबाउट वन पॉइंट फाइव मिनट यानी कि ये जो टाइम है ये कितना होगा वन पॉइंट फाइव मिनट्स जो है वो इसमें टाइम हम लेते हैं स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि इसमें जब ये प्राइमर बाइंड करते हैं तो ये डी एन वैसे है ठीक है इससे हम नेक्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं ये इस तरह से मौजूद हैं ठीक है इसमें ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रही हैं अब इसमें एक एंड जो है वो थ्री प्राइम एंड है दूसरा एंड कौन सा है फाइव प्राइम एंड है इस तरफ थ्री प्राइम एंड होगा और इस तरफ कौन सा होगा फाइव प्राइम एंड जो है वो मौजूद होगा स्टूडेंट देखें जब प्राइमर एड आ, बाइंड करता है तो प्राइमर कैसे बाइंड करता है स्टूडेंट यहाँ पे प्राइमर बाइंड करता है तो वो बाइंड करेगा इसके उस एंड पर जहाँ से हम कह सकते हैं इसकी सेंसिस डायरेक्शन होगी ऑलवेज सेंसिस डायरेक्शन जो है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होती है इसका मतलब यहाँ पर एक प्राइमर बाइंड करेगा इस तरह से दैट इज़ फाइव प्राइम दैट इज़ थ्री प्राइम ये वाला जो एंड है वो कैसा होगा थ्री प्राइम और ये वाला एंड है ये कौन सा होगा फाइव प्राइम ये प्राइमर की बात मैं कर रहा हूँ सेम एज इज़ एक प्राइमर इधर बाइंड कर जाएगा ये जो एंड है इसका फाइव प्राइम ये वाला एंड कौन सा होगा थ्री प्राइम स्टूडेंट इस तरह से अगर हम इस ट्रेंड की बात करें तो इसमें फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड कर चुके हैं और इसकी बात करें इसमें रिवर्स प्राइमर जो है वो बाइंड कर चुका है यानी कि यहाँ से फाइव प्राइम टू तो थ्री प्राइम की तरफ डायरेक्शन होगी सेम यहाँ से भी वही डायरेक्शन होगी जो नॉर्मल रेप्लीकेशन के सेंसेस के डायरेक्शन होती है तो अब ये जो सेंसेस करेंगे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंड ये प्राइमर बाइंड किए हैं स्टूडेंट्स क्या बाइंड किया है प्राइमर बाइंड किए हैं ये जो है इसमें प्राइमर्स जो हैं ये बाइंड किए हैं तो अब प्राइमर बाइंड करेंगे तो ये मेथड क्या कहलाएगा दिस स्टेप इज नोन एज एनीलिंग एंड दैट इज जस्ट ओनली फॉर 1.5 मिनट ये 1.5 मिनट के लिए होगा जब प्राइमर बाइंड कर जाएंगे तो तीसरा स्टेप होता है दैट स्टेप इज नोन एज पॉलीमराइजेशन या फिर हम इसे एक्सटेंशन के नाम से भी मेंशन करते हैं या फिर हम इसे एक्सटेंशन के नाम से भी मेंशन करते हैं स्टूडेंट पोलिमराइजेशन या एक्सटेंशन जो है इसमें हम कह सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज दैट ऐड न्यू निक्लोटाइड पॉलीमरेज ऐड निक्लोटाइड या बेसिस भी कह सकते हैं ये निक्लोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा और इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हीट होगी या टेम्परेचर होगा ईट या टेम्परेचर दैट इज़ सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस और इसके लिए जो टाइम पीरियड हम कंज्यूम करते हैं या जो टाइम पीरियड यहाँ पे लगता है ओनली टू मिनट्स हम कह सकते हैं इसके लिए जो टाइम होता है दैट इज़ ओनली टू मिनट्स सिर्फ टू मिनट्स हम कह सकते हैं इसमें होते हैं तो स्टूडेंट जब हम इसकी बात करेंगे थर्ड स्टेप की तो थर्ड स्टेप में इसके अंदर पॉलिम्राइजेशन होगी एनजाइम बाइंड करेंगे एंजाइम बाइंड करेंगे तो पॉलीमराइजेशन होगी तो एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रेंड जो हैं वो बेसिकली बन चुके होते हैं जैसे कि एक स्ट्रैंड ये है अब स्ट्रैंड इस में इसकी जो एंड है prime, ये वाला एंड कौन सा था प्राइम प्राइम ये कौन सा है थ्री प्राइम तो इस तरह से ये जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स हैं मौजूद हैं इनकी कंप्लीमेंट्री बेसिस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं लाइक दिस वन ठीक है अब देखिए जब इसकी सिंथेसिस होती है सिंसेस तो सिंसेस में छोटे-छोटे चोड़ प्राइमर तो लगे हुए हैं यहाँ पे हमने कहा कि प्राइमर्स भी मौजूद थे एक प्राइमर जो है वो यहाँ पे 5 प्राइम था सेम एज दिस यहाँ पे भी 5 प्राइम प्राइमर था लेकिन उसके बाद जब एक्सटेंशन होती है ये कंप्लीटली आगे डेवलप हो चुके होते हैं इस तरह से कंप्लीटली इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बन चुकी होती हैं और ये 3 प्राइम एंड हो जाते हैं सेम ये भी कौन से एंड हो जाते हैं 3 प्राइम एंड जो है वो हो जाते हैं तो ये इस तरह से ये एक एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाते हैं दो डीएनए जो है वो बन जाते हैं दैट इज इन वन साइकिल ये एक साइकिल में है अब नेक्स्ट साइकिल अगर हमने रन करना है तो ये सेम यही प्रोसेस क्या होगा अगेन रिपीट होगा ठीक है हम कहते हैं ये दो डीएनए से आगे कितने बनेंगे चार डीएनए डेवलप होंगे तो यहाँ पे जो इस तरह से आगे चलता जाएगा ये साइकिलिंग प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा तो उस इसलिए हम उस मशीन को भी थर्मोसाइकलर कहते हैं थर्मो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हीट ये जो हीट होती है पहले यहाँ पे हमने 94 की फिर कितनी होती है 54 फिर हमने कितनी की सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस तो ये हीट को हमने एक चेंज किया और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए किया और ये फिर साइक्लिक एक्टिविटी जो है ये चलती रहती है एक से दो दो से चार चार से आठ आठ से सोलह सोलह से बत्तीस इस तरह से बढ़ते जाएंगे और ये हमने एक बात की है पी सी आर की कि पी सी आर जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाइकेशन जो है वो कर होता है स्टूडेंट इसमें जो ग्रोथ रेट होती है इसकी यानी कि हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है कैसी होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो होती है एक्सपोनेंशियल का मतलब होते हैं टूज पावर एन और इसमें जो एन है दैट इज दैट इज नंबर ऑफ साइकल दैट इज नंबर ऑफ साइकल्स ये साइकल्स का नंबर है जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि एक साइकिल है तो कितनी कॉपीज बनेंगी इन अ वन साइकिल दैट विल प्रोड्यूस ओनली टू कॉपीज ठीक है इन अ टू साइकिल्स इट विल प्रोड्यूस फोर कॉपीज इस तरह से ऑनवर्ड जितने भी साइकिल्स होंगे यानी कि यहाँ पे अगर हम वन साइकिल की, की बात करें तो टू टू साइकिल की बात करें तो फोर थ्री साइकिल की बात करें तो एट इस तरह से फोर साइकिल्स की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी सिक्सटीन uh, ऑनवर्ड जितने साइकिल हम यहाँ पे ज़्यादा रन करेंगे उतनी ही नंबर ऑफ कॉपीज भी क्या होती जाएंगी बढ़ती जाएंगी और मिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड हम क्या कर सकते हैं इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या फिर हम पीसीआर को रिप्लेस कर सकते हैं विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो आंसर है नो no, हम नहीं कर सकते व्हाई वी कैन नॉट रिप्लेस पीसीआर विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द रीजन बिहाइंड वी कैन कंपेयर हियर यहां पे हम क्या कर सकते हैं इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं तो जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का तो हमें इसके बाद का डिफरेंस पता चल जाते हैं। एक साइड पे हमने पी लिखा दूसरी साइड पे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात लिखेंगे ठीक है जिसमें प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट इनमें से जो पी है ये हम कहते हैं कि हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं दैट इज़ इन विट्रो लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर जबकि रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है ये हम कह सकते हैं इन बी वो होता है बैक्टीरिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होगा दूसरा हम कहते हैं पी सी आर जो है इसमें हम जो एज़ प्राइमर यूज़ करते हैं वो डी एन ए प्राइमर यूज़ करते हैं डी एन ए प्राइमर यूज़ करते हैं जबकि रिकम्बिन टेक्नोलॉजी के अंदर कैसा प्राइमर होता है आर एन ए प्राइमर जो है वो यूटिलाइज किया जाता है पी सी आर जो है इसमें हम बात करें तो हम लेस नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो करते हैं लेस कॉपीज जो है वो ऑप्टेन करने के लिए यूटिलाइज करते हैं एंड दैट इज गोइंग टू यूटिलाइज फॉर मोर नंबर ऑफ कॉपीज इससे हम ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज कर सकते हैं स्टूडेंट जो पी सी आर है इसमें हम कह सकते हैं नो प्रोटीन फॉर्मेशन इसमें प्रोटीन नहीं बन सकती इसमें प्रोटीन जो है वो नहीं बन सकती इसमें हम देखें तो प्रोटीन जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बन सकती है हम कह सकते हैं प्रोटीन एज बीइंग प्रोडक्ट डेवलप हो सकती है प्रोड्यूस होती है जबकि इसमें पीसीआर में हम ये काम नहीं कर सकते वी आर अनएबल टू डू इट हम ये काम परफॉर्म नहीं कर सकते पीसीआर के अंदर स्टूडेंट अब इन डिफरेंसेस को देखा जाए जैसे कि ये हमारे पास एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ही नहीं प्रोड्यूस कर सकता या फिर ऐसे कह सकते हैं नो जीन एक्सप्रेशन इसमें जीन एक्सप्रेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि ये तो एक ग्लास के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म हो रहा है तो इसमें ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो अब इस वजह से हम इसको बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो हम क्या कर सकते हैं अपटेन कर सकते हैं दूसरा जब हमें लार्ज नंबर रिक्वायर्ड है यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड हैं किस चीज़ की जीन्स की कॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं तो फिर भी हम कौन सा यूटिलाइज करेंगे रिकमीन डी एन एफ टेक्नोलॉजी जो है वो इसको यूटिलाइज करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन एम सी क्यूज जो हैं वो इसमें बन सकते हैं लाइक like दैट इसमें ये टाइम पीरियड जो है पूछा जा सकता है ये टाइम पीरियड एक एम सी क्यू के तौर पर हो सकता है सेम यहाँ पे ये भी एक एम हो सकता है इसमें ये भी एक एम हो सकता है ठीक है अब देखें ये जो इसके स्टेप्स के नाम लिखे हुए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं इनके साइकिलिंग का रिपीट होना ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में एम में आ सकता है कितने इतना टाइम हो तो इस तरह से हो हाँ टाइम पीरियड की बात स्टूडेंट की जाए तो वन साइकिल जो है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इनटू वन 1.5, 2.5, 2.5 एंड इनको हम कंप्लीट करें तो 4.5 मिनट्स के अंदर एक साइकिल जो है वो क्या होता है कंप्लीट होता है तो इस तरह से दो साइकिल्स कितने मिनट्स में कंप्लीट होंगे जाहिर सी बात है नाइन मिनट्स में इस तरह से ऑनवर टाइम कैलकुलेशन की मदद से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि एंड लेबल द प्रोसेस ऑफ द पी पीसीआर का जो प्रोसेस है उसको आपने क्या करना है ज्वाइन लेबल करना है और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कंपेयर्स कंपेयर्स रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी विद पीसीआर और यू कैन से दैट कैन विक रिप्लेस रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी विद द पीसीआर तो इसका मतलब है नो वी कैन नॉट बिकॉज देर इर्ज द फर्दर बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द पी सी आर जो कि पी सी आर में मौजूद नहीं होते और ये हम नॉर्मली पी सी आर जो है ये नॉर्मली एक कॉमन लैब्स के अंदर एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो है वो आ, ये मौजूद होते हैं और ये हम परफॉर्म करते हैं ये शॉर्ट टाइम डायग्नोसिस के पर्पस के लिए बाकी परपजेस के लिए, लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन तमाम जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पस के लिए जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं रिकम्बीट डी एन ए टेक्नोलॉजी और वैसे जीन सिक्वेंसिंग या इस तरह से को वर्किंग करनी हो तो हम पी सी आर जो है उसको क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं वन मोर इम्पोर्टेंट एम सी क्यू द इम्पॉटेंट एम सी क्यू दैट के सेंसिस डायरेक्शन जो होती है वो कौन, कौन सी होती है तो स्टूडेंट याद रखिएगा सेंसिस डायरेक्शन ऑलवेज

तो स्टूडेंट यहाँ पे ये यह थ्री प्राइम एंड है जहाँ पे क्या करेगा प्राइमर बाइंड करेगा तो सेम एस टीज यहाँ पे भी थ्री प्राइम एंड है जहाँ पे प्राइमर बाइंड करेगा ये भी इसमें एम सी क्यू में आता है कि प्राइमर जो हम यूटिलाइज करते हैं उसकी नेचर क्या है यानी कि उसकी नेचर बेसिकली रिकमी डी टेक्नोलॉजी में आर एन ए है जबकि पी सी आर में कितनी है ट्वेंट डी एन ए है और एक और चीज़ भी आती है कि पी सी आर में इसकी लेंथ जो होती है वो ट्वेंटी बेसिस पर मुस्तमिल होती है जबकि रिकम्बिनेंट में इसकी लेंथ जो होती है, है, है।, है, हो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पी सी आर समझ आ चुका होगा आप ये बात समझ चुके हैं कि पी सी आर के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बाद हमने प्रोसेस को रीड किया फिर हमने रिकम्बिन टेक्नोलॉजी और पी सी आर को आपस में कंपेयर किया स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है डी एन एनालिसिस तो हम उसके अंदर भी पी सी आर और रिकम्बिन डी एन ए टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं अगर हमारे पास एक स्पेसिमन है डी एन ए है एंड वाना टू मेक द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ इट दैन वी कैन गो फॉर पी सी आर आर रिकम डी एन ए टेक्नोलॉजी हम इसकी मदद से उसकी कॉपीज़ जो हैं वो क्या कर सकते हैं बना सकते हैं सो नेक्स्ट टॉपिक डी एन एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे तब तक के लिए मुझे इजाज़तें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़